हेलो दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार आरवी डिजिटल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं स्टेंजर का 516 मॉडल नंबर है मैं सेट लाया हूँ। इसमें प्रॉब्लम पिछले एपिसोड में मैंने बताया था बास टेबल का, तो आइए चलते हैं कि इसमें प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया है। वो आज आपको मैं वो ट्रिक बतलाऊँगा, और ये ट्रिक से मैंने जो ठीक किया है वो ट्रिक आप भी आजमा कर करके आप चाहें तो इसे आप सही कर सकते हैं, अपने मशीन को बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले थोड़ा बहुत कुछ हम इसमें समझाएंगे फिर से कि कुछ समस्या जो होता है वो देखिए। ये आपका जो है किट बास टेबल किट है ना, इसमें लगे आपका सामान को मैं विस्तार से थोड़ा सा दिखला दूँ ताकि आपको सामान चेंज करने में सुविधा हो। ज़्यादातर स्टैंड्स वगैरह टूट जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होता है ना। तो ये हो आपका हो गया। अब आइए चलते हैं इनपुट में। ये आपका इनपुट किट है ना, इसमें देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे जो है रेजिस्टेंस है जो जल जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं बारकी से आपको रेजिस्टेंस को दिखला रहा हूँ ना, तो आप देख लें। अब देखिए इसे प्रॉब्लम क्या था ना कि इसमें बास टेबल काम नहीं कर रहा था। थोड़ा सा समझा दूँ फिर उसको। ये देखिए इधर जो है आपका जो है माइक किट है, माइक का जो ऐसे ऑडियो एम्पलीफायर इसमें होता है, और दो गो इधर जो है ऐसे कि ऑक्स का ऑडियो एम्पलीफायर बनाया गया है, और इसमें जो है बेस टेबल का फंक्शन बताया गया है। देखिए इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बेस टेबल काम नहीं कर रहा था। मैंने देखिए वॉल्यूम भी चेंज किया तो जो है ऐसे कि वॉल्यूम चेंज करने के बाद भी नहीं ठीक हुआ। तब मैंने जो है इसका लगे हुए ये देखिए ट्रांजिस्टर को भी मैंने बदला, फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। तब मैंने जो है ऐसे कि वोल्टेज चेक किया तो सब जगह समान वोल्टेज लगभग मिल रहे थे, तो फिर भी जो है ऐसे ये सेट में बास टेबल वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर क्या देखा कि इसमें जो है इसमें आप देख रहे होंगे ये जो है चार को जो ट्रांजिस्टर इसमें नज़र आ रहे हैं ये सब बास टेबल से संबंध रखता है, और एक यहाँ जो ट्रांजिस्टर है ये जो है से कि यहाँ पर कोई खास वर्क एम्पलीफाई का नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो एम्पलीफाई करता है ये जो देख रहे हैं एक स्विच लगा हुआ है यहाँ बॉक्स और हॉर्न को जब आप ये यूज करेंगे तो उस स्थिति में थोड़ा आवाज़ को मोटा पतला करने का एम्पलीफाई का काम करता है, और यहाँ से स्विच के द्वारा जो है सो फिर होते हुए हमारा ऑडियो जो है यहाँ इस भाग में जाता है और एम्पलीफाई करता है। तो मैंने जो है से कि पहले बताया कि ट्रांजिस्टर को भी चेंज किया, वॉल्यूम को भी चेंज किया, नहीं हुआ। तब जो है से कि मैंने वोल्टेज को भी पहले चेक किया था, वोल्टेज भी सब जगह सही बतला रहा था, फिर भी नहीं हुआ। तब मैंने जो है से ये सारे देखे छोटे छोटे जो है कंडेंसर लगे हुए इस पर डॉट हुआ, तो इतने सारे कंडेंसर को तो बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एक बार में इतना नहीं बदल पाएंगे। तब मैंने थोड़ा सा अपना ट्रिक आजमाया कि कैसे इसको किया जाए। तो मैंने एक कंडेंसर को लिया और उसके बाद जहाँ जहाँ कंडेंसर है लगा हुआ वहाँ वहाँ मतलब सटा कर चेक किया, तो जो है थोड़ा बहुत बेस टेबल में आवाज़ को देखा कि बढ़ा, लेकिन जो होना चाहिए वो क्वालिटी नहीं आया। तब मैंने जो है लास्ट में क्या किया कि जो है ये देखिए दोनों वॉल्यूम के बीच में जो है कनेक्शन होता है जो कि ये फर्स्ट वाले कंडेंसर पर आकर करके एम्पलीफाई होकर करके आगे इसमें बढ़ता है और यहाँ से फिर इधर बढ़ता है। तो इसमें जो है से कि यहाँ पर लगा हुआ जो है आपका ये कंडेंसर को मैंने चेंज किया है, कंडेंसर चेंज किया थोड़ा बहुत जो है से आवाज़ तो सुधार हुआ, लेकिन अब इसमें बहुत सारे जो लगे वो भी बिक बतला रहे, कमज़ोर बतला रहे। तो मैंने इसको क्या किया कि इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई ऑडियो को कुछ बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब हमने ये क्या किया कि मैंने कुछ अपना माइंड लगाया इसमें, कुछ ट्रिक लगाया तब जा कर के बना। तो इसमें क्या करना था कि देखिए हम थोड़ा सा बतला रहे ये ट्रिक है, जब ये सेट इतना सामान बदलने के बावजूद भी आपको नहीं बन पाया, बेस टेबल आवाज़ नहीं आया है, और आपने जैसे मैंने इसमें बताया कि मैंने वॉल्यूम भी चेंज किया, ट्रांजिस्टर को भी चेंज किया, और स्टेंस का वोल्टेज भी मैंने नापा तो लगभग सही बताया, फिर भी नहीं हो रहा था। तो इसमें एक अपना ट्रिक लगाना
पड़ा हमें कि वो ट्रिक क्या है। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है ट्रिबल वाले पॉइंट पर से यहाँ देखिए पीएफ लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए बेस वाले पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये दोनों का बीच का कनेक्शन जो है ये ट्रांजिस्टर की तरफ भागता है, यानी ट्रांजिस्टर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर एक कंडेंसर लगा रहता है। तो ये कंडेंसर को मैंने चेंज किया, कुछ बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा था, तो मैंने इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया। डायरेक्ट शॉर्ट कर देने पर वो क्वालिटी तो आ गया, बिल्कुल अच्छा आ गया, अच्छा बज भी रहा। तो ये मैंने अपना ट्रिक को इसमें जो है लगाया और इस फॉल्ट को मैंने सोल्व किया। तो हमारे ख्याल से है कि आप इस तरह का ट्रिक आजमाएं और जो है से कि इस समस्या को आप बनाएं। तो कभी कभी होता है कि जो है से कि पार्ट्स वगैरह चेंज करने के बावजूद भी नहीं बन पाता है, तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है, तो कुछ अपना माइंड लगाना पड़ जाता है। तो मैंने इस तरह से बना कर करके जो है से देखा और बिल्कुल सही आवाज़ में आ गया। तो इस तरह के मतलब जो है हमने इस बोर्ड को कंप्लीटेड ठीक किया है। आप भी मतलब जो है से इस तरह का ट्रिक आजमा करके आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और विशेष फॉल्ट आपको बतलाएंगे अगली वीडियो में और विशेष जानकारी भी देंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं भी, है ना। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसे शेयर करें, क्योंकि तो खास मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सही शिक्षा देना, सही रूप से बताना। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देख कर करके आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कुछ उसमें हम आपको इससे भी बेहतरीन फॉल्ट फाइंडिंग का कुछ हम सेमेस्टर बना रहे हैं, उसमें आप लोगों को हम देंगे और फॉल्ट बनाने में काफ़ी आसान होगा। ये तो मोटा मोटी आपको हमने बता दिया वीडियो के द्वारा, कुछ जो है ऐसे नोट्स हम आपको लोड करेंगे यूट्यूब पर, तो आप देख लीजिएगा, तो उसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगा। तब तक के लिए धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।